अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव कुकिंग पैराडाइज। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ मज़ेदार सी मसूर की दाल की रेसिपी। यानी आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल का सूप, लेंटल सूप, जो कि बहुत ही मज़े का सूप, जस्ट 15 मिनट में रेडी हो जाता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ये रेसिपी परफेक्ट है आपके लिए। या आपको दाल नहीं पसंद तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आपको दाल हमेशा के लिए बहुत पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसके लिए मैंने लिया है मसूर की दाल, और उसे ऐसे मैंने भिगो के रख दिया है। और इसके लिए मैंने साथ में लिया है कोकोनट मिल्क है, और ये है करी पाउडर है, और इसके साथ मैंने टोमेटो पेस्ट लिया है, एक अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिया है छोटा छोटा चॉप्ड करके मैंने रखा हुआ है, और एक ही मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, और दो जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और छोटे छोटे काट लिए हैं, और साथ में दो क्यूब्स में वेजिटेबल क्यूब्स ले रही हूँ। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स हैं आप चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं, उसके लिए चिकन का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। मैंने एक पैन में ऑयल लिया, उसमें मैंने डाल दिया लहसुन प्याज और जो मिर्चें थी मेरे पास वो डाल दी हैं, सिर्फ एक ही मिर्च है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जो हमारे पास भिगोई हुई दाल थी, और इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए भून लूँगी कि इसके अंदर जो कि भिगोने की वजह से जो थोड़ा सा वाटर है वो थोड़ा सा ड्राई अप हो जाए। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और क्वांटिटी है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह मैं थोड़ी सी देर के लिए भूनूंगी और फिर इसके अंदर जो मैं इंग्रेडिएंट्स हैं वो वन बाई वन ऐड करना शुरू कर दूँगी। अभी इसके अंदर से पानी ड्राई हो चुका है तो इसमें मैं जो टोमेटो पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और जस्ट मैं सिर्फ इसको हिलाऊँगी कि ये जो इसमें मिक्स हो जाए। इसको इस तरह नहीं है कि हमने इसको इतनी देर पकाना है या जो कुछ कर, ऐसे नहीं करना, सिर्फ जस्ट इसको मैं मिक्स करूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर भी ऐड कर दूँगी जो हमारे पास कोकोनट मिल्क है वो ऐड करके, और उसको भी इसी तरह जस्ट मैंने मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो है जस्ट मिक्स हो जाएँ। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो हमारे पास करी पाउडर है वो मैं ऐड करूँगी। अगर आपके पास करी के पत्ते हैं तो आप उन्हें छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल सकते हैं। ये इसी के साथ जो है इसका बहुत ही अच्छा सा कोकोनट मिल्क और करी जो पाउडर है इसके साथ इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये इस सूप के मेन इंग्रेडिएंट्स ही हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया है। अगर आपके पास यखनी है, चिकन की यखनी है, या जो भी अगर कोई यखनी है तो आप वो डाल सकते हैं, तो और जो क्यूब्स हैं वो स्किप कर सकते हैं। और अगर इस तरह तो हम आप सिर्फ क्यूब्स डाल दें इस टाइम पे, तो मैंने इसके अंदर क्यूब्स डाले हैं और पानी डाला है। पानी आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितना घना ये सूप चाहिए। मैं थोड़ा सा थिक रखूँगी सूप, इसलिए मैं इतना ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया। नमक और ब्लैक पेपर आपने लास्ट में ऐड करनी है, क्योंकि जो मैंने इसमें क्यूब्स डाले हैं उनमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो ये हम आपने जो इसकी ये कंसिस्टेंसी है ये अपने अकॉर्डिंग ही रख लेनी है। यह हमारा मज़ेदार सा सूप रेडी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।